हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त छाया। आजकल हम में से ज़्यादातर लोग मोटापे की वजह से परेशान रहते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन जब वेट कम नहीं होता तो हम हो जाते हैं डीमोटिवेट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फाइटोलेकावेरी के बारे में। देखिए, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर इसके लिए मैंने एक वीडियो भी पहले से अपलोड की हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हम इसे 15 दिन से ले रहे हैं, 1 महीने से ले रहे हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। ये भी कमेंट था कि हम इसे रेगुलर ले रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। एक कमेंट ऐसा भी था, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं जिनको पढ़कर खुशी होती है, कि 1 महीने में लोगों ने 5-5 kg तक इसकी हेल्प से वेट कम किया हुआ है। क्या कमी रह जाती है इनका वेट कम नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ करते हो जिसकी वजह से वेट कम नहीं होता, सारी बातें आज की वीडियो में कवर करूंगी। इसलिए जाइएगा कहीं मत, आज की वीडियो होने वाली है आपके बहुत काम की, बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मैजिक है, जो कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई टैबलेट है जिसे हम लेंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा? अगर सच में ऐसा होता तो कोई मोटा ही नहीं होता, सब स्लिम हो जाते। पर ऐसा नहीं होता, इसके लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, डाइट पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, जब हमें एक्सरसाइज ही करनी है, डाइट पर ही ध्यान देना है, तो हम वैसे ही अपना वेट लॉस कर लेंगे, फिर इस मेडिसिन की क्या ज़रूरत है? आपका सोचना भी सही है कि जब एक्सरसाइज पर करते हैं, डाइट पर ध्यान देते हैं, तो हमारा वेट वैसे ही लॉस हो जाता है। पर क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 30+ 40+ के होते हैं हम, या फिर हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की दिक्कत हो जाती है, इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट हो जाता है स्लो, और जो भी हम खाते पीते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, फैट के रूप में जमा होने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। फिर हम चाहे एक्सरसाइज करें, डाइट पर ध्यान दें, हमारा वेट उतनी तेज़ी से कम नहीं होता। फिर हमें लगता है कि उनका वेट तो इतना कम हो रहा है, लेकिन हमारा वेट तो वही की वही है, हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ एकदम स्लिम ट्रिम रहते हैं, वो सब कुछ खाते हैं, कोई परहेज भी नहीं करते, एक्सरसाइज भी इतनी नहीं करते, फिर भी वो स्लिम रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हम डाइट पर भी ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता, और जैसे तैसे हम अपना वेट कम कर भी लें तो वापस से बढ़ जाता है। फिर हम हो जाते हैं डीमोटिवेट कि हमारा वेट तो लॉस हो ही नहीं रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं कुछ भी करती थी, डाइट भी अच्छी तरह करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, वेट लॉस भी थोड़ा बहुत हो जाता था, वापस से बढ़ जाता था, क्योंकि मुझे थायराइड की दिक्कत है और इस वजह से मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो है, और मुझे जेनेटिक रीज़न भी है, मेरे वेट ज़्यादा होने का जेनेटिक रीज़न भी था, अब तो मैं मोटी नहीं हूँ, जेनेटिक रीज़न भी था जिसकी वजह से मेरा वेट रेगुलर बढ़ता ही रहता था, कम भी करती थी बराबर बढ़ जाता था। तब मैंने ध्यान दिया कि जब तक मुझे बताया गया, जब हम इतने दिनों से अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो बहुत सारी नॉलेज हमें हो जाती है, फिर ध्यान दिया कि जब तक हम अपनी मेटाबॉलिक रेट पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। तरीके होते हैं मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के, मैं सारे यूज़ करती हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएं जिससे कि हम फटाफट से अपना वेट कम कर लें, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। आपके क्वेश्चन जो भी हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई भी मैं ज़रूर करूंगी। फ्रेंड्स, ये जो फाइटोलेकावेरी है ये किस तरह से काम करती है, अभी हमें इसे कैसे लेना है, इसका क्या प्राइस है, कहाँ से मिलेगी, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी। अगर मैं ये सारी बातें बताने लगूंगी तो वीडियो हो जाएगा लंबा, इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल ही जाएगा, तो जाकर देख लीजिए, आपको जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि हमारा वेट लॉस होने लगता है, हमें वेट लॉस में हेल्प मिलती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसे कोई भी ले सकता है, बच्चे भी इसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे कि जैसे हमारे कोई मेडिसिन चल रही है हम तब भी इसे ले सकते हैं, मेरी थायराइड की टैबलेट चल रही है 75 mg की, मैं इसे तब भी लेती हूँ, कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसलिए आप इसे यूज़ करके देखिए। मैं जो भी कहती हूँ अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, मैं इसे लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, तो
अच्छी मेडिसिन है, इसके कोर्स होते हैं 2-3 महीने लेती हूँ मैं, फिर इसे स्टॉप कर देती हूँ, वापस से फिर इसे लेने लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसे ले सकते हैं। आई होप आपके जो भी डाउट हैं आपने मुझसे पूछे कमेंट्स में वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊं या आपको डाइट बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। जब थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं देते तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी आपके वेट लॉस में, एक्सरसाइज भी बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। यदि आपको यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।